चीन पूरी दुनिया के लिए परेशानी का कारण बना यह देश अब भारत की नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। हमारे देश की सेना के जांबाज सिपाही चीनी सेना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और चीन भी भारत की ताकत को अच्छी तरह से जानता है। भारत का दबदबा पूरे विश्व पटल पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो चीन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। यही बात है कि चीन नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ कर युद्ध जैसी स्थिति पैदा करके भारत को डराने का प्रयास कर रहा है। चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना है, पर उसे आर्थिक तौर पर तोड़ना भी जरूरी है। चीन पूरे विश्व का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है और भारत ही वह देश है जहां चीन सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। अगर हमारा देश चीन से आयात को कम कर दे तो इसका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और आने वाले कुछ वर्षों में चीन को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर देगा। इस बात को भी मानना ज़रूरी है कि चीन का सामान आज घर घर में इस तरह पहुंच गया है कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया है। पर अब समय आ गया है जब हमें चीन के सामान का पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता। यह ज़रूरी नहीं कि आप घर में रखे चीनी सामान को फेंक दें, लेकिन यह ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप कुछ खरीदें वह स्वदेशी हो, और अगर स्वदेशी न हो तो कम से कम चीन में न बना हो। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चीन का सबसे ज़्यादा सामान आता है। इसमें मोबाइल फोन्स, इनसे जुड़ी एक्सेसरीज, टॉयज और हमारी दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी प्रकार की चीज़ें हैं। आज के दौर में जब इंटरनेट और स्मार्टफोन्स सबके पास हैं तो कौन से ब्रांड चीन के हैं ये तो पता चल ही जाता है। पहले चीन अपने प्रोडक्ट्स पर मेड इन चाइना लिखा करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब चीनी सामान के बहिष्कार की बात उठी तो उसने मेड इन चाइना लिखना बंद कर दिया। अब चीन में बने सामानों में मेड इन PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा आता है। बहुत से प्रोडक्ट्स पर तो किसी भी प्रकार की कोई ब्रांडिंग नहीं होती, तो कैसे पहचाने कि सामान कहीं चीनी तो नहीं? जिस सामानों पर मेड इन चाइना या मेड इन PRC कुछ भी न लिखा हो, इंपोर्ट करने वाली कंपनी और किस देश से इंपोर्ट किया है यह ज़रूर लिखा होता है। आज वैसे तो पूरे देश में चीनी सामान का विरोध हो रहा है, फिर भी हमें सामान खरीदने से पहले ज़रूर जानना चाहिए कि वह कहाँ बना है। अगर आप किसी दुकान में जाते ही ये कह दें कि चीनी सामान नहीं, सिर्फ मेड इन इंडिया चाहिए, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। पर फिर भी आप जो खरीदें उसकी जांच पड़ताल अवश्य करें कि वह प्रोडक्ट मेड इन इंडिया ही है। एक भारतीय होने के नाते हम कम से कम यह तो कर ही सकते हैं कि सिर्फ भारतीय प्रोडक्ट्स खरीदें।